माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर एक नया दिन है इस कैंपिंग का। और ये देखिए, ये है हमारी प्यारी सी गोमती नदी। मैं हूँ इस समय फिर से नदी के किनारे पे, और नदी जितनी खूबसूरत और प्यारी लग रही है यहाँ से, उतनी किनारे पे इतनी गंदी है। देखिए चारों तरफ कितनी गंदगी है, पर गोमती मैया तो हमेशा की तरह निश्चल, पवित्र और सुंदर लग रही हैं। कम से कम यहाँ साफ है नदी। हर बार मैं आपको नदी के किनारे की गंदगी या नदी में पड़ी हुई गंदगी दिखाती हूँ, पर इस बार मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी डी रानी सा फाउंडेशन समता मूलक चौराहे पे जो नदी का किनारा है वहाँ की सफाई करने की जिम्मेदारी लेने वाला है। और हम कोशिश करेंगे कि नदी के किनारे एटलीस्ट इस एरिया में कोई भी गंदगी ना रहे। हम कुछ लोग को जो यहाँ सफाई करते हैं उन्हें हायर करके यहाँ की सारी नदी के किनारे की सफाई कराएंगे। आशा करती हूँ कि ये प्रयास मैं बहुत सफलतापूर्वक पूरा कर जाऊँ। और जय माता दी। देखिए दोस्तों, मैंने अपने लास्ट कैंपेन में बताया था कि लोगों से मैंने आग्रह की थी कि ये नदी के किनारे जो ड्रम्स बने हैं वहाँ पे अपने पूजन का सामान विसर्जन करिए। तो देखिए कुछ तो फ़ायदा है, मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत गंभीरता से इस चीज़ को लिया है और नदी के किनारे नहीं डाल के सामान को, फिर भी पूजा की सामग्री को, जो दिवाली भाई दूज गोवर्धन पूजा की जो भी सामग्री थी उसे यहाँ पर डाला हुआ है, जो नदी के किनारे ड्रम बना हुआ है, बेहद ही खुशी की बात है। फिर भी अभी नदी किनारे बहुत सफाई होना बाकी है कि लोग यहाँ पे आके आराम से एक रिवर फ्रंट या अभी नदी किनारे एक पॉइंट करके अपना एक एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे खड़े रह के इवनिंग।